मैं आपका भाई, आपका दोस्त, अपने YouTube चैनल एम्प्लॉयमेंट एक्वेंटेंस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो विश्व भारती में जो नई वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, उसके अंदर नॉन टीचिंग और टीचिंग के कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। हम आपको बताएंगे कि किस कौन से विभाग में, मतलब कौन से स्ट्रीम में कितनी पोस्ट निकाली गई है। नॉन टीचिंग में LDC की कितनी पोस्ट है और बाकी सभी पोस्ट में कितनी कितनी सीट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए भी हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं हम लोग। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व भारती शांति निकेतन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023, डेटेड 17/4/2023। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लास्ट डेट जो दी गई है 16 मई 2023। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विश्व भारती एक इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है ये। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी सीटें निकाली गई हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रजिस्ट्रार की पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, लाइब्रेरियन का है, डिप्टी रजिस्ट्रार की है, इंटरनल ऑडिट का है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 6 सीट है टोटल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीट है यहाँ पे, सेक्शन ऑफिसर की सीट है, असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट की, देखिए यहाँ पे ग्रुप बी का जो जॉब है वो लेवल 6 पे, उसका 5 सीट निकाली गई है। देखिए बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क या फिर ऑफिस असिस्टेंट, ये ग्रुप C का लेवल 4 का जॉब है, मतलब 2800 ग्रेड पे की यह नौकरी है। देखिए 29 सीट निकाली गई है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यह एक ग्रुप C का जॉब है, लेवल 2, मतलब 1900 ग्रेड पे का यह जॉब है। यहाँ पर देखिए 99 सीट निकाली गई हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीट है ये। मल्टीटास्किंग स्टाफ, यह MTS का सीट है, ग्रुप 1 लेवल 1 का, 1800 ग्रेड पे का ये है। देखिए इसके अंदर 405 सीटें टोटल निकाली गई है। और नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल असिस्टेंट का सीट है यहाँ पे, लाइब्रेरी अटेंडेंट का देखिए 30 सीट है यहाँ पे, लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का देखिए 45 सीट है। मैं आपको यह PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर लें और देख लें किसके अंदर कितनी सीटें यहाँ पर बताई गई है। क्या है कि अगर मैं पूरा बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि आपको बहुत बोरिंग लगेगा। वो बात करते हैं सभी पोस्ट को मिला के, यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 709 निकाली गई है, टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। और इस PDF के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वह बताऊंगा, बाकी आप खुद से देख लें। चलिए बात करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, वो सभी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रुप A की जो जॉब है उसके लिए देखिए यहाँ पे पे मैट्रिक्स 7th पे पे देखिए यहाँ पे देखिए 37,400 से लेके देखिए ग्रेड पे 10,000, 6,000। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर सीट ग्रुप C की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा सीट निकाली गई है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ग्रुप C में देखिए लेवल 1 का जो MTS का था उसके लिए देखिए 5200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 1800 देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब आपकी सैलरी इनिशियल सैलरी जो होगी आपको इन हैंड जो मिलेगी वो 30,000 कुछ लमसम मिलेगी। और ग्रुप लेवल 2 पे जो है वो आपको 35,000 लमसम मिलेगी, और लेवल 4 पे जो रहेगी उसके लिए जो 2400 ग्रेड पे है उसके लिए मिलेगी कम से कम 40,000 मिलेगी। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख लें, आपको यहाँ पे सारा चीज़ जानकारी दिया हुआ है। अब हम चलते हैं, नीचे चलते हैं। देखिए एज लिमिट की हम बात करते हैं तो पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 के लिए एज लिमिट 32 साल दी गई है ऑल सभी ग्रुप C पोस्ट के लिए, ग्रुप B के लिए 35 साल और ग्रुप A के लिए 40 साल। चलिए नीचे चलते हैं, आप देखिए जैसा आपको नजर आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं उन्हीं सारे मतलब कि सभी पोस्टों के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर सीट थोड़ी ज्यादा है ग्रुप C में जो आती है, जैसे LDC क्लर्क, उसके बाद फिर MTS का जैसे सीट ज्यादा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए देखिए हम बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क,
अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर आपको सीधा बैचलर डिग्री मांगा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी स्ट्रीम से। और इसके अंदर देखिए 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है कि आप LDC के पोस्ट पे अगर आप 2 साल काम किए हैं सेंट्रल स्टेट, तो आप इसके अंदर फॉल फिल कर सकते हैं या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी। उसके बाद फिर उसके लिए देखिए मिनिमम स्पीड जो आपको मांगा गया है यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और उसका देखिए कंप्यूटर का जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। आपका जो सिलेक्शन होगा वो पहला CPT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा उसके अंदर होगा, उसका स्किल टेस्ट होगा जिसके अंदर टाइपिंग एग्जाम होगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए देखिए बैचलर डिग्री मांगा हुआ है किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसके बाद फिर देखिए इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे 35 का स्पीड मांगा हुआ है। उसके बाद देखिए हिंदी टाइपिंग वाले देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। उसके बाद आपको देखिए कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका सिलेक्शन जो होगा आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के ऊपर ही आपका होगा। देखिए स्किल टेस्ट में आपको देखिए MS ऑफिस का जानकारी होना चाहिए, जैसे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सभी चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं MTS के। MTS के लिए देखिए 10वां पास मांगा हुआ है या फिर आप ITI किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, रिटर्न एग्जाम जो होगा वो, उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट, आप जिस भी चीज़ से आप ट्रेड मतलब किए हुए हैं, ITI जिस चीज़ से पास किए हुए हैं उसका एग्ज़ाम होगा आपका यहाँ पे। देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा हुआ है ब्लिस के लिए, ब्लिस में मांगा हुआ है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। उसके बाद देखिए टाइपिंग स्पीड देखिए 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगा हुआ है इंग्लिश के लिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर भी स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग होगा। देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आप मात्र 10+2 मतलब 12th क्लास आप पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपको सर्टिफिकेट कोर्स आपके होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपका भी वही रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के ऊपर आपका होगा यहाँ पे सिलेक्शन। चलिए एक और यहाँ पे देखिए है लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसके लिए आपको 10th+2 जो साइंस स्ट्रीम से जो पास किए हैं वो फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट मतलब कि साइंस का जो आपको प्रैक्टिकल करवाया गया वहाँ पे लिया जाएगा। देखिए बात करते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर के पोस्ट के बारे में। स्टेनोग्राफर के लिए देखिए यहाँ पे मांगा हुआ है कि बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से आप किए हुए हैं और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी जो स्टेनोग्राफी इंग्लिश में जो है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश के वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। आप मतलब इंग्लिश में अच्छा से मतलब आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया मजबूत होना चाहिए। आपको कैसे बोलते हैं कैसा लिखते हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखा चेक किया जाएगा। स्किल टेस्ट में देखिए आपका डिक्टेशन 10 मिनट का होगा 80 वर्ड पर मिनट के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको 50 मिनट दिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट मतलब 2 प्रोसेस हैं इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितनी फीस लगी है कौन से पोस्ट के लिए उसके बारे में जानते हैं हम। जैसे कि आप ग्रुप ए के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देखिए 2000 रुपये लगेगा UREWS OBC के लिए, और SC ST के लिए 500 रुपये, और वुमेन और PWD के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा मतलब 0 रुपया लगेगा। उसी हिसाब से देखिए ग्रुप ए के लिए लेवल 12 से और लेवल 10 के लिए 1600 रुपये लगेगा UREWS OBC के लिए, और SC ST के लिए 400 रुपया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप सी के लिए मतलब जिसके अंदर ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है उसके अंदर कितना रुपया लगेगा। देखिए UREWS और OBC के लिए 900 रुपया लगेगा। यहाँ पे SC ST के लिए देखिए 225 रुपया लगेगा। अगर आप महिला हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको देखिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए वेटेज। रिटर्न एग्जाम का वेटेज जो पेपर 1 और पेपर 2 विल बी 70% मतलब रिटर्न एग्जाम का यहाँ पे 70% आपका वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 30% रहेगा जो कि ग्रुप एक पोस्ट के लिए जो है इंटरव्यू उसके लिए। और आप यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए आपको कितने मतलब 15 गुना बच्चे को यहाँ पे बुलाया जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का मतलब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्या क्या मतलब यहाँ पे प्रोसेस है वो सारी चीज़ के हम देखिए जानेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पेपर 1 MCQ टाइप का आपका एग्ज़ाम होगा जो सभी पोस्ट के लिए देखिए सेम है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन के लिए अगर आप सही कीजिएगा 2 नंबर मिलेगा। रीजनिंग आपको 35 नंबर का होगा। मैथमेटिकल एबिलिटी 35 नंबर का होगा।
टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी आपका 30 नंबर का होगा, यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस 20 नंबर का होगा, टोटल आपका 150 नंबर का होगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा। देखिए उसके बाद आपको नीचे देखिए इस पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर लें। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लें। देखिए यहाँ पर देखिए आपको सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको कैसा क्या होगा। मैं आपको PDF या आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके खोल के आप चेक कर लें, अच्छा से पढ़ लें इसको। देखिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑनलाइन फिल करना है, जो कि आज ही यह वीडियो दोनों वीडियो आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम टेलीग्राम और मैं अपना फेसबुक आईडी का मतलब आपको अपना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगली वीडियो जो मेरी रहेगी इसी के ऊपर रहेगी, जैसे कि कैसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ पे, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, इसके पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे हम।